एक्सपेक्टेड। और गवर्नमेंट ने इसमें जो फैसिलिटेट किया है स्पेंडिंग वो 64180 करोड़ की करी है ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। दूसरा आप अगर देखो तो इंडिया कहीं ना कहीं ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे सबसे आगे चल रही है कोविड वैक्सीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड वी ऑलरेडी 2 नोवल कोविड वैक्सीन अवेलेबल विद अस। आप इसमें भी देखो कोविड-19 वैक्सीन के भी 35,000 करोड़ का प्रावधान सरकार ने एक्सपायरी किया हुआ है। तो ये सपोर्टिव है सरकार की तरफ से भारत की जनता के लिए, और वी होप कि ये आगे फर्दर इसको सरकार अच्छे से ख्याल रखती है सेक्टर को। प्लीज काबिल दीजिए। जैसे कि कोविड वैक्सीन के लिए आपने बताया कि एक अमाउंट जो है वो दिया गया है, कोविड वैक्सीन में जो अमाउंट दिया गया है उसका सरकार किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है, करने जा रही है, इसके बारे में कुछ बताया गया है? सर देखो, अभी तो आपने और हमने बजट स्पीच को ही दिखा है। बजट स्पीच में अगर आप एक्सपेक्ट करो तो देखो फंडिंग कहाँ होती है। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स जो R&D, जो हम आगे नई दवाओं पे, या आप देखो नया स्ट्रेन आ गया है वायरस का, तो जो उस पर नया एक्सपेंडिचर R&D का होगा वो भाग हो सकता है उसमें, उस की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है मेडिसिन की, और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डेवलप करना होता है। ये सारे पार्ट्स अलग अलग कहीं ना कहीं कंसिडर होते हैं जहाँ पे पैसा फाइनली स्पेंड किया जाता है। प्लीज काबिल दीजिए। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए जो गवर्नमेंट का है, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने 6 भागों में बांट कर जो बताया मेडिकल फैसिलिटीज के लिए क्या क्या कर जा रही है, क्योंकि रजनीश जी देखिए जब कोरोना टाइम था तो एक चीज की बहुत बात हुई कि मेडिकल के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। जिस तरीके से बेड्स की बात हो रही थी तो वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना गवर्नमेंट के लिए जरूरी था। तो ऐसे में इस जो ये बजट में जो ये बात कही गई है, इससे इस सेक्टर में कि हम लोगों को बदलाव देने को मिलेगा, कितनी मजबूती आएगी? देखो बिट्स एंड पार्ट्स में सरकार ने कुछ चीज़ों को और इसमें कवर किया, जैसे न्यूट्रिशन की बात भी उन्होंने अपनी बजट में लाई है कि इंटेंसिफाइड स्ट्रेटजी हम अडॉप्ट करेंगे न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वाटर सप्लाई की बात भी करी है, ये भी पीछे भी मुद्दा हमारे पास उठ के आया था, जो सरकार वेरियस तरीके से ये डिस्कशन में आया था कि वी डोंट हैव वाटर सप्लाई जो प्रॉपर हाइजीनिक हो, तो हर लेवल तक हर घर तक नल से पानी पहुंचाना भी कहीं ना कहीं इन्होंने चर्चा में बात उठाई, और जिसके उन्होंने फंड भी एलोकेट किया है। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात भी करी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने करके इसमें हर स्टेप को उठाने की कोशिश करी है हेल्थ और वेलबींग पॉइंट ऑफ से, और फंड को उसमें एलोकेट करने की कोशिश करी है। लेटली क्लीन एयर की भी उन्होंने बात करी है। आप देखो दिल्ली में एयर पोल्यूशन, हम लोग हर दूसरे दिन इस इशू से जूझते हैं, तो क्लीन एयर के लिए उन्होंने फंड को एलोकेट किया है। अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2200 करोड़ का फंड इसके लिए भी इन्होंने एलोकेट किया हुआ है। तो ये अलग अलग मेजर्स हैं जो सरकार ले रही है हेल्थ केयर पॉइंट ऑफ व्यू से। काविंद्र जी बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से पूरे कोरोना के टाइम पर तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज का भी एक कमजोर कड़ी थी वो निकल कर सामने आई थी, वो हम सब ने देखा और हम सब इस चीज को समझते भी हैं ढंग से। तो ये चीज जो अगर बजट में जोड़ी गई है तो ये स्वाभाविक था कि इस चीज को वहां पर जोड़ा जाए, और ये बहुत मांग भी उस चीज की। इसी के साथ पुलकित जी ये समझाइए, सेकंड पिलर पर आता हूँ मैं। सेकंड की बात जो हम करते हैं फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, इस चीज पे क्या किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से? काविंद्र जी अगर फिजिकल एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं करूँ तो इससे पहले तो मैं बता दूँ उसका क्या मतलब हुआ। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से हमारा हुआ जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस पर फोकस किया गया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उस पर फोकस किया गया है। और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं बात कहूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर हमारा बैंकिंग सेक्टर LIC इन पे फोकस किया गया है। अगर मैं इन पे आपको और क्लियरली बताऊँ इनके बारे में तो आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन लिंक इन्वेस्टमेंट स्कीम लाई गई है, जिसमें 3 सेक्टर्स को पॉइंट आउट किया गया है, जिसमें प्रोडक्शन बेसिस पे इंसेंटिव दिए जाएंगे। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट पार्क टेक्सटाइल पार्क लाने का प्रस्ताव रखा गया है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कहूँ तो पाइपलाइन सेक्टर में भी सरकार ने इस भी कोशिश करी है, तो वो पाइपलाइन सेक्टर पर भी बहुत फोकस किया है हमारी सरकार ने। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फाइनेंस को लेकर अगर मैं कहूँ तो सरकार ने DFI सेटअप करने की बात करी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी फंड को लेके ध्यान दिया गया है। काविंद्र जी देखिए, जिस तरह से भारत कोई भी चीज होती है तो उस पर राजनीति होना सबसे पहले हो जाता है। वित्त मंत्री ने जिस तरीके से आज जो बजट पेश किया, सबसे पहले तो उन्होंने आपको बता दूं कि पेपर बजट था, ये पहली दफा था कि पेपर बजट था। वित्त मंत्री आती है उनके हाथों में आज कागज नहीं दिखते, उनके हाथों में दिखता है टैब, और वो टैब मेड इन इंडिया। हालांकि इसके बाद एक चीज और यहाँ पर जो कि किसान इस बार बजट में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि बीते 2 महीने से हम देख रहे हैं जिस तरीके से किसान अपनी मांगों लेकर सड़क पर है, जिस तरीके से दिल्ली की सीमा और जो वो डटे हुए हैं, उसका भी बजट में जिक्र होना ये लग रहा था, पहले से तय लग रहा था। लेकिन बजट के बाद जो है प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई, विपक्ष हमला हो गया। इसी के साथ आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका बयान आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बजट में दरअसल किसानों के लिए कुछ नहीं है, किसानों के लिए कुछ भी नजर नहीं आता। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद आते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि किसानों को अधिक लोन दिया जाएगा और किसानों की मदद के लिए ये बजट आया गया है, इसमें किसानों का फर्स्ट प्रायोरिटी बेस पर ध्यान गया है। इसके साथ वापस अपने टॉपिक आते हैं, जैसे कि रजनीश जी हर विभाग को, हर सेक्टर को, हर क्लास को ध्यान में रखकर बजट बनाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे ये बताइए कि यहाँ पर एस्पिरेशनल इंडिया की बात करता हूँ, जिन लोगों को जोड़ा जाता है, यहाँ पर मैं वर्कर्स की भी बात करता हूँ, फिशरीज की भी बात करता हूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करता हूँ, इन लोगों के लिए क्या? कविंद्र जी थोड़ा सा पिछले मुद्दे पे भी ऐड कर दें कुछ चीज़ें जो और हम उसमें ऐड कर दें, जैसे एसेट मोनेटाइजेशन के बात हुई थी बजट में, इसको हम लोगों ने पहले डिस्कशन में भी लेके आए थे कि सरकार को पैसों की ज़रूरत है, तो पैसे कहाँ से आएंगे। अगेन तो इन्होंने उसमें वे आउट्स दिए हैं कि किस किस तरीके से कंपनियों को मार्केट में सेल करने वाले हैं या प्राइवेटाइज करने वाले हैं रेदर, ताकि हमारे पास एसेट मोनेटाइज हो सके। उन्होंने और वे आउट्स भी उसमें दिए हुए हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेके, रेलवेज़ को कैसे मोनेटाइज करने वाले, रोड्स ट्रांसपोर्ट की बात करी, तो ये कुछ और पॉइंट्स भी थे उन्होंने वहाँ पे कवर किए हुए हैं। रोड्स हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेशल एम्फेसिस दिया है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्पेशली अलग से उन्होंने एम्फेसिस दिया है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इन्होंने करी कि पावर को अच्छा, पावर में एक चीज़ और अच्छी लेके आने वाले हैं, आई थिंक इससे शायद आम आदमी को बेनिफिट भी हो। तो मोनोपोली थी, जो कंपनीज मोनोपोली लेके चलते थे, वी आर द इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर, उस चीज़ को तोड़ने की इन्होंने बात करी है कि या तो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर है, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर है, तो आने वाले टाइम में एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर को लाने की बात करी। ये छोटे छोटे कुछ और पॉइंट्स थे जो उसमें कवर हो जाते हैं हमारे पास, जिनको देखने। अच्छा, एक और इंश्योरेंस सेक्टर की बात है, इंश्योरेंस सेक्टर को भी उसमें उन्होंने कवर किया हुआ है। तो ये छोटे छोटे कुछ और पॉइंट्स हैं, और आगे इस डिस्कशन आगे हम लोग एलैबोरेट कर सकते हैं। अब हम आपके पुराने पॉइंट पे आ जाते हैं जो आपने कहा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। देखिए सर, आपने अभी एग्रीकल्चर का मुद्दा उठाया था, एग्रीकल्चर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सी चेंजेस की बात सरकार कर रही है। सरकार कह रही है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1.5 टाइम इसको प्रपोज कर रही है। आने वाले समय में ये सरकार के और साथ में किसानों के लिए, रैदर किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है। और किसान, जैसे कि अभी आपने ही कहा, घर पे बैठे हुए और वो इस मुद्दे को बारी बारी उठा रहे हैं, तो एक अच्छा साइन है सरकार की तरफ से कि दे आर पासिंग ऑन द गुड बेनिफिट टू आवर फार्मर्स। इसको भी पॉजिटिव लेना चाहिए। पैडी की इन्होंने बात करी है, रेट्स को यहाँ पे भी बढ़ाने की उन्होंने बात करी, बेनिफिट देने की बात करी है। एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात करी है, क्रेडिट टारगेट इंक्रीज करने की बात करी है। 60.5 लाख करोड़ का फिगर है जो हमारे सामने अभी लिखा हुआ है FY22 तक। इसके बाद इन्होंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर दी है, जो ये कहते हैं 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक के जाएंगे। तो ऐसे वेरियस छोटे बड़े बेनिफिट्स इन्होंने पास ऑन किए हैं, एग्रीकल्चर से लेके फिशेस तक लेके, माइग्रेंट वर्कर्स को लेके इन्होंने बेनिफिट्स पास ऑन किए हैं। तो कहीं ना कहीं हर किसी को इंक्लूड करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया में। एसएमईज को इन्होंने यहाँ पे उठाया, एसएमईज की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, उनको बेनिफिट पास ऑन करने की बात कर रहे हैं। तो आप देखो तो इंक्लूजन अच्छा है, बेनिफिट है, आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट इनको मिल सकता है। प्लीज काफी तो देखिए, ये बताइए रजनीश जी, जैसे कि जब कोरोना का टाइम था तो सबसे ज्यादा मार जिस पर पड़ी थी वो माइग्रेंट लेबरर्स थे, माइग्रेंट वर्कर्स थे। तो ऐसे में इनका ध्यान रखना कितना जरूरी है, तब ये चीज हमको समझ में आई थी। तो ऐसे में बजट में इस बार इनके लिए कुछ है, क्योंकि इससे पहले तो बजट में मेरे हिसाब से जिक्र नहीं होता था इनका। तो इस बार माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं, माइग्रेंट जो लेबर्स हैं, उनका कुछ जिक्र आया है इसमें? हाँ जी, बिल्कुल जिक्र आया है माइग्रेंट लेबर्स का। इसके लिए वन नेशन वन कार्ड की बात करी है इन्होंने इस बार। ये अगर वो राशन, ये वन नेशन वन जो आप बता रहे हैं, इसका क्या है मतलब? आपने अगर देखा हो तो पीछे जब कोविड की बात आई थी, बिट्स पार्ट्स में, जैसे अभी निर्मला सीतारमण ने भी बोला था कि हमने छोटे छोटे के पार्शियल बजट साल भर देते रहे हैं वो अलग अलग समय पे, फंड को एलोकेट करने पर्पस से। तो उस समय भी वर्ड आया था कि एक राशन कार्ड हो और वो पर्सन या वो गरीब का जिसके पास राशन कार्ड होता है वो इंडिया में किसी जगह रहता है तो वहाँ से राशन उठा सके अपना। तो इसको लॉन्च करने की फुल फ्लेज्ड अभी बजट में प्रपोज करी गई है। ये पर्सन जो भी उस तबके से आता है वो वन नेशन वन राशन कार्ड की बेनिफिट को उठा सके, तो ये विशेष है, अच्छा है। अगर आने वाले टाइम में ये फैसिलिटी उनके पास अच्छी ट्रांसफर होती है तो वो अच्छे बेनिफिशियरी होंगे। रेदर इसका इफेक्ट अगर आप कोरोना टाइम में भी देखो तो दे हैड टू रश टू देयर नेटिव प्लेसेस ड्यूरिंग दैट कोरोना टाइम, ताकि वो उस बेनिफिट को, शायद उनका राशन कार्ड हो सकता है अपनी पर्टिकुलर लोकेलिटी या पर्टिकुलर स्टेट का हो, उन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करी गई है इसमें। अच्छा, क्योंकि कॉमनर्स जो है उनको ये चीज कैसे समझी जा सकती है कि बजट में जो स्पीच कहा गया वो लाभ पहुंचने में ग्राउंड तक पहुंचने में बात रूट की, तो रूट तक पहुंचने में कितना समय जाता है? क्योंकि आपने जैसे कि बताया कि माइग्रेंट लेबरर्स के लिए वन कार्ड वन नेशन की बात की जा रही है, तो ये जो लाभ है हर घर तक कैसे पहुंचेगा, कब तक पहुंचेगा, कोई समय सीमा तय होती है? सर ये बजट है, अभी इसके रूल्स और पॉलिसीज और प्रॉपर जैसे जैसे सामने आ जाएंगे तो क्लैरिटी आती जाएगी। बाकी अगर आप इसे देखो तो गवर्नमेंट ने जहाँ बात करी है इनोवेशन की, ई गवर्नेंस की, ई टेक्नोलॉजी की, पीछे आप देखो आधार से कनेक्टिविटी जो इतनी फास्ट हुई है आजकल, जो ट्रैक दैट इज गोइंग वेरी फास्ट, तो वी कैन होप अगर लोग प्रॉपर और फास्ट कनेक्टेड हैं तो ये चीज़ें कंपैरेटिवली बहुत फास्ट मूव करेंगी। ड्रॉप डाउन जो होने वाला इसका बेनिफिट वो फास्ट होगा। प्लीज़ का इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा, माइग्रेंट वर्कर में जैसे ये बात हुई है कि कैसे पहुँचेगा उन तक, बेनिफिट कैसे पहुँचेगा, तो इसलिए हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने बात करी कि वो पोर्टल लॉन्च करेंगे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, जिसका बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ये हेल्प करेगा उनके हाउसिंग, स्किल, इंश्योरेंस, क्रेडिट, फूड स्कीम को उन तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए। इसके बाद उन्होंने 4 जो हमारे लेबर कोड से उनको इम्प्लीमेंटेशन बात करी है, ठीक है, और साथ में मिनिमम वेजेस विल अप्लाई टू ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स की बात करी है उन्होंने। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने इसमें वो वुमेन लेबरर्स के लिए लेके आए हैं कि वुमेन लेबर जो है ऑल कैटेगरीज में काम कर पाएंगी, इवन नाइट शिफ्ट में भी काम कर पाएगी, एडुकेट प्रिकॉशंस के साथ। साथ में उन्होंने इस चीज़ को और ऐसा नहीं है उन्होंने बर्डन डाल दिया एम्प्लॉयर के ऊपर, एम्प्लॉयर का बर्डन ईज करने के लिए उन्होंने सिंगल रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी देने की भी बात करी है, लाइसेंसिंग देने की भी बात करी है। ये सिंगल रजिस्ट्रेशन क्या है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं? बेसिकली क्या होता है कि माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड जहाँ माइग्रेंट वर्कर नहीं बोलना चाहिए मेरे को, जहाँ पे भी लेबर काम कर रही होती है उनके लिए अलग अलग तरह के कानून अप्लाई होते हैं जिनका लॉयर्स को उसको फॉलो करना होता है। इनको एक छत के नीचे लाने के लिए मल्टीपल एक्ट्स को कोड में लाया जाएगा, ताकि उनको एक ही रिटर्न भरनी है, एक ही जगह पे जाके रजिस्ट्रेशन करनी है, एक ही लाइसेंसिंग पे जाना है उनको। बिल्कुल, अगर इस चीज़ को क्लैरिटी दे सके थोड़ी सी, कि जैसे कि आपने ये कहा कि विमेन जो है अब वो नाइट शिफ्ट्स में भी काम कर सकेंगी, तो जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी और सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो इस पर अगर कुछ धन लगता है तो उसका जिम्मा एम्प्लॉयर अगर उठाता है तो उसमें एम्प्लॉयर के लिए क्या करें, कुछ बताया गया है? कुछ नहीं सर, अभी इसके आगे क्लैरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन दूसरी चीज़ इन्होंने वर्कर्स की सिक्योरिटी की जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी, वो इन्होंने ज़रूर कहा है कि अगर एम्प्लॉयर टाइमली उनके या ईएसआई की डिडक्शन करता है लेकिन उसको सबमिट नहीं करता है, इसको स्ट्रिक्टली वो फिर से इसमें ले आए हैं, मतलब दिस वॉज देयर ऑलरेडी, तो उनका कहना निजी हुआ कंडीशन आपका इनकम टैक्स में डिसअलाउ हो जाएगा, तो दिस वॉज ऑलरेडी देयर, फिर से इसको इस पॉइंट में क्लैरिफाई करने की कोशिश करी है। बिकॉज उसमें देखो कंसर्न उनका था कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉई का जो डिडक्शन होता है कहीं ना कहीं वो अमाउंट ही है जो लूज कर रहा है आपका एम्प्लॉई। अगर मे बी मान लो किसी एम्प्लॉयर ने इस साल कोई डिडक्शन किया, अगले साल में उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कहीं खराब होती है तो पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता है और एम्प्लॉई तक कभी नहीं पहुंचता है, तो ये एक इंक्लूजन की बात ज़रूर ये लेके आए हैं एम्प्लॉई पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसा कि आप रजनी बता रहे थे कि लेबरर्स के लिए एक मिनिमम वेज की बात की है, तो लेबरर्स के लिए कोई लाइन खींची गई है? क्योंकि लेबरर्स तो बहुत अगर हम हर फील्ड की बात करें तो लेबरर्स को हर जात को मिल सकते हैं, तो उन लेबरर्स के लिए कोई लाइन वगैरह खींची गई कि इस लेवल तक के लेबरर्स या ये लेबरर्स, तो इस पे कैसे क्लैरिटी कैसे मिलेगी? इस लेबर की बात की गई यहाँ पर। अभी तो देखो जो इन्होंने लेबर्स को इंक्लूड तो कर लिया, अभी आप देखो लेबर कोड की ये बात कर रहे हैं, आगे की लेबर कोड पीछे भी आप देखो काफ़ी डिस्कशंस चले पिछले कुछ सालों में लेबर्स और लेबर कोड को लेके। फिगर मिनिमम वेजेस अभी बजट तक इन्होंने फिगर तो नहीं कोई डिस्क्लोज किया है इसमें, धीरे धीरे जैसे क्योंकि अभी स्टेट वाइज भी चीज़ें चलती हैं और स्टेट वाइज वो आपके नोटिफिकेशंस आते हैं जब मिनिमम वेज को कवर करते हैं, तो थोड़े आने वाले टाइम में हो सकता है इस फिगर पर और क्लैरिटी आ जाएगी, जैसे कोर्ट पे क्लैरिटी और ज़्यादा आती है। बजट पर मंथन बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि जैसा कि वित्त मंत्री ने आज जो बजट पेश किया उसमें क्या कुछ था, आसान भाषा में आपको लगातार हम बता रहे हैं, आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जैसे कि निर्मला सीतारमण ने जो प्री बजट कहा था, उन्होंने बजट से पहले एक बात कही थी कि इस बार का बजट ऐतिहासिक होना चाहता है। इसके साथ ही रजनीश जी, आपको याद होगा आपने भी मुझसे कहा था कि वंस इन अ लाइफ टाइम बजट होने वाला है, तो ऐसे में बजट को लेकर पहले ही से हाई बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया। अब बजट के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बजट बनाने वालों का धन्यवाद, बहुत अच्छा बजट बनाया गया है, सब ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। फिलहाल